हे व्हाट्स अप, क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? कुछ होगा तभी कॉल करूंगी क्या तुम्हें? तुम्हें थैंक यू कहने के लिए फोन किया था। मेरा मतलब है तुम नॉर्मली इस तरह कॉल करती नहीं हो ना, इसलिए कह रहा। बताओ मुझे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ एक बात। अच्छा सुनो तो ना, जब तुम अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हो ना, ये बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। प्रमशा, आई मीन नॉट दैट दे आर माई पेरेंट्स, लेकिन मैंने उन जैसे लोग नहीं देखे। मुझे लगता है वो इस दुनिया के लोग ही नहीं है। सोने के दिल है उनके। मैंने सारी जिंदगी उन्हें लोगों में मोहब्बत बांटते देखा है। हमारी फैमिली को जिस तरह उन्होंने जोड़ के रखा है, ये सिर्फ उन्हीं का काम है। कंग्रेचुलेशंस। यू आर वेरी लकी कि तुम्हारे सास ससुर इतने अजीम लोग हैं। और हस्बैंड? यार उस बंदे की तो क्या ही बात है, जानता हूं मैं उसे, बहुत बहुत अमेजिंग आदमी है वो। अच्छा तो तुम मेरे हस्बैंड को जानते हो? वेरी नाइस। मगर मुझसे ज्यादा नहीं जानते होगे। ऑब्वियसली तुम्हारी ज्यादा जान पहचान होगी उसके साथ, शायद है तुम्हारे जितना तो नहीं मैं जान सकता। जान पहचान तो छोटी चीज है, हम तो इनसे इश्क करते हैं। इश्क? हो तो इश्क चल रहा है। नाइस। अच्छा सुनो, मुझे एक बात तो बताओ, आज मैं कैसी लग रही थी? अच्छी। बस बस सिर्फ अच्छी। हाँ बहुत बहुत अच्छी। अच्छा रूही से भी ज्यादा अच्छी? क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? रमशा अगर ये मजाक है ना तो आई एम सॉरी, बहुत ही चीप है। ओह रियली? जो किसी जमाने में मेरा ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर हुआ करता था, आज चीप जोक हो गया? वाह। रमशा आई वुड प्रेफर कि मैं तुम्हारी इस बात को इग्नोर कर दूं। क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसको कम से कम मैं तो इग्नोर नहीं कर सकती। आई थिंक हमें इस बात को यहीं पे रोक देना चाहिए। ओके फाइन, नहीं करते इस मौजू पर बात। लेकिन आज नहीं तो कल इस मौजू पे बात तो जरूर होगी। ओके बाय।